कितने नंबर का एग्जाम हुआ? 100 नंबर का। 100 नंबर का मतलब 80। कितना बना है? सब बना, ज्यादा नहीं बना है। नहीं बना है क्यों? 40 को मतलब ऑब्जेक्टिव बना है, 20-25 को सब्जेक्टिव बना है। बाकी क्यों छोड़ दिए? नहीं आया था इसे। विज्ञान के एग्जाम है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बच्चे एग्जाम देकर निकल रहे हैं। हम डायरेक्ट बच्चे से पूछेंगे कि जो बच्चे एग्जाम देकर निकल रहे हैं, क्या चीज का एग्जाम था? साइंस का। साइंस का कितना नंबर का क्वेश्चन बना? बना है पूरा। कितना पूरा? तो आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट हैं वो बाहर निकल रहे हैं और एग्जाम हॉल से धीरे धीरे निकलना चालू हो गए हैं। लेकिन बच्चों लोग से जानेंगे कि कितने नंबर के, कितना नंबर का आज कितने नंबर का एग्जाम हुआ? 100 नंबर का। 100 नंबर का मतलब 80। कितना बना है? सब। क्या चीज का एग्जाम था? साइंस का। साइंस का एक क्वेश्चन पूछे आपसे। पूछिए। अगर निकट दृष्टि दोष खत्म हो जाए तो कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? निकट अवतल। बिल्कुल, देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो विद्यार्थी हैं वो धीरे धीरे निकलना चालू कर दिए हैं। और साइंस का आज एग्जाम था और आज एचआर कॉलेज में है और एचआर कॉलेज से देख सकते हैं कि तस्वीर में कि किस तरह जो स्टूडेंट हैं निकलना धीरे धीरे चालू हो गया है। और बच्चे से हम जानेंगे कि कितना नंबर का एग्जाम हुआ है और कितने नंबर के ये लोग सही सही बनाए हैं। हम डायरेक्ट स्टूडेंट से बात करते हैं। क्या जी का एग्जाम था आज? विज्ञान का। कितना नंबर बनाया? 50 नंबर। 50 नंबर। 50। बाकी क्यों छोड़ दिए? बाकी सर उतना ये थी नहीं किए हैं। अब देख सकते हैं कि किस तरह जो स्टूडेंट है निकलना धीरे धीरे चालू हो गए हैं। और आप तस्वीरों में देखिए कि ये बच्चे निकल रहे हैं। अब डायरेक्ट बच्चे लोग से जानेंगे कितना नंबर का एग्जाम हुआ है? 80 नंबर का। कितना बना है? बना, ज्यादा नहीं बना है। नहीं बना है क्यों? 40 को मतलब ऑब्जेक्टिव बना है, 20-25 को सब्जेक्टिव बना है। बाकी क्यों छोड़ दिए? नहीं आया था इसीलिए। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह जो स्टूडेंट है निकलना धीरे धीरे चालू हो गए हैं। लेकिन इन लोगों का कहना है कि 80 नंबर का एग्जाम हुआ है जिसमें 50 से 60 नंबर ही बन पाया है, क्योंकि एक कोरोना काल में विद्यालय कोचिंग संस्थान बंद होने के कारण बच्चे की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाया। और भी बच्चे हैं, उनसे पूछेंगे कितना नंबर का एग्जाम हुआ? कितना है? 80। कितना बना है? सब बन चुका है। क्या? दो छूट गया है। दो छूट गया। तो देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं एग्जाम से निकल रहे हैं लेकिन इन लोगों का पूर्ण रूप से सारे क्वेश्चन को टच नहीं किए, क्योंकि कोचिंग बंद था, स्कूल बंद था, जिस वजह से इन लोग की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। आधा अधूरा जो एग्जाम में है क्वेश्चन को टच किए हैं। और भी स्टूडेंट हैं, उनसे पूछेंगे कि ये लोग कितनी तैयारी किए हैं, कितना नंबर के? देखिए कि भाग रहे हैं, कैमरा देखते भाग रहे हैं। कितना नंबर का? 80 नंबर का एग्जाम हुआ था जिसमें हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन तो लिख ही लिया, अब देखते हैं नंबर कितना आता है। तो आपने पूरे क्वेश्चन को टच किया जी? कितना परसेंट हो सकता है कि आप रिजल्ट ला दीजिए? अब देखिए आज जो हुआ उसमें हम लोग नहीं भी तो 70+ ला सकते हैं। 70+ तो देख सकते हैं। अच्छा, तो देख सकते हैं कि एक बच्ची मिलियम से बोल रहे हैं 70+। ये हौसला बढ़ाने वाली एक लड़की मिली। और भी लड़की है, उनसे बात करेंगे कि इन लोग कितने क्वेश्चन को टच किए हैं और कितने को छोड़े हैं। और भी स्टूडेंट हैं, उन लोग से डायरेक्ट बात करेंगे। कितना नंबर का बना बताइए? कितना नंबर बनाया है? क्या कितना नंबर के बनाया? कितना नंबर का एग्जाम हुआ? तो देखिए बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कैमरा को देखकर डर जाते हैं। कितना नंबर का एग्जाम हुआ? कितने नंबर का एग्जाम हुआ? 100 नंबर का। 100? 80। कितना? 80। 80। कितना बनाया है? 80 में 40। तो वही बनाना था ऑब्जेक्टिव, सिर्फ 80 में 40। बस बाकी को छोड़ दिए? नहीं, सब्जेक्टिव बनाए हैं। कितना परसेंट बनाया? 50% तक बनाए। तो देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट है कुछ लोग 50% बनाए हैं तो कुछ लोग पूरा छोड़ दिए हैं। कितना नंबर का एग्जाम हुआ? 80 नंबर तक आ जाएगा। 80 नंबर तक। 80 नंबर तक। हाँ। आज कितना नंबर का एग्जाम हुआ? आज 100 नंबर का है। कितना नंबर का? आज 100 नंबर का। हाँ।
तो आप देख सकते हैं ये विद्यार्थी एग्जाम दे के निकल रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि कितने नंबर के एग्जाम दे के निकल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 100 नंबर का एग्जाम दे कर आ रहे हैं, लेकिन अब साफ तौर पर जान सकते हैं कि आज साइंस का एग्जाम था, 80 नंबर का एग्जाम था, और ये कह रहे हैं कि 100 नंबर का एग्जाम हम देकर परीक्षा हॉल से निकल रहे हैं। लेकिन और भी स्टूडेंट हैं, उन लोग से जानेंगे कि वो लोग कितने एग्जाम देकर आए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितने नंबर का एग्जाम दिया। बहुत अच्छा किया है। एक मिनट सुनिए, भाग क्यों रहे हैं? कितना नंबर का दिया? 100 नंबर का, मतलब जितना था आ सकता है। आज कितने नंबर का एग्जाम हुआ? 100 नंबर का। 100 नंबर का? हाँ। क्या चीज का एग्जाम था? साइंस का। तो साइंस तो 80 नंबर का एग्जाम हुआ। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव में था 80। तो आप देख सकते हैं कि जो विद्यार्थी निकल रहे हैं उनको भी पता नहीं है कि कितने नंबर के आज एग्जाम था। आज साइंस का एग्जाम है और ये कह रहे हैं कि 100 नंबर का एग्जाम देकर निकल रहे हैं, क्योंकि इनको भी क्या क्या सुनिए हम। हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं बोलिए। बहुत कराई हुआ है कॉलेज में, एकदम चीट है, हुआ ही नहीं है। चीट नहीं हुआ? नहीं। क्यों नहीं बोले सर से? किस लिए? सर से कुछ नहीं बोले कि इतना कराई क्यों है? इधर देखिए कैमरा। क्यों क्यों बोले? जब आता है तो हम अपने से लिखेंगे, जो याद नहीं किया वही ना चीट कर निकले। कोरोना में विद्यालय कोचिंग बंद था, उसका मार नहीं ना पड़ा है? नहीं पड़ा? नहीं। तो कितना नंबर का बनाया? 80 जितना देगा लो। 80 नंबर का बनाया लो, जितना उम्मीद वादा बनाया हम लोग। 80 से ज्यादा? हां 90 आ सकता है हम लोग का। तो आज तो 80 नंबर का एग्जाम था। अरे अरे ये देखिए इनको, स्कूल से भी नंबर यहां पे कितना नंबर? 80 नंबर का बनाया लो। हां ये देख सकते हैं कि ये जो विद्यार्थी हैं ये निकले हैं, इनको ये पता नहीं है कि 80 नंबर का आज एग्जाम है। इन्होंने कहा कि 80 में हमने 100 नंबर बना कर आए हैं, 90 नंबर बना के आए हैं, लेकिन इनको ये जानकारी नहीं है कि आज 80 नंबर का एग्जाम हुआ है, 20 नंबर प्रैक्टिकल इसमें जोड़ा जाएगा। लेकिन और भी विद्यार्थी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि क्या बनाए हैं और कितने बनाए हैं, कितने क्वेश्चन को टच किए हैं, क्योंकि कोरोना में जो कोचिंग संस्थान था बंद था। और ये एचआर कॉलेज है, कुछ स्टूडेंट और भी हैं जो एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव सारा बना लिए हैं और शॉर्ट भी बना लिए हैं, चार्ट बनाना था आर्ट में, सारा बना लिए हैं। कितने नंबर का एग्जाम हुआ? आज हुआ है, 80 मार्क्स का था ये ऑब्जेक्टिव था, और 30 मार्क्स का शॉर्ट था, और 8 मार्क्स का लॉन्ग था। आप कितने नंबर बनाए? हम सर 70 प्लस आना चाहिए मेरा। 70 प्लस? हाँ, यानी 70 प्लस 80 में 70 आना चाहिए, 70 प्लस ही आना चाहिए। प्रैक्टिकल जोड़ लेते थे, प्रैक्टिकल जोड़ने के बाद फिर 100 में आना चाहिए। क्या उम्मीद कर सकते हैं, कितना नंबर आ सकता है टोटल मार्क्स? सर मेरे लिखने पे तो 80 या 85 प्लस आना चाहिए। 85। तो आप देख सकते हैं ये इस कोरोना काल में भी एक लड़की मिल गया, नाम है आपका? खुशी कुमारी। खुशी मिली और खुशी का कहना है कि 85 प्लस हम इस बंदी में भी ला सकते हैं। देखिए इनकी हौसला कितने मजबूत है, कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल रही हैं। और भी स्टूडेंट हैं, उन लोग से बात करेंगे। और देख सकते हैं कि कैमरा को देखते हैं लोग भागना चालू कर दिया। अरे रोड पे एक्सीडेंट हो जाएगा, उधर मत भागे आप लोग। क्यों भाग रहे हैं? एग्जाम देकर आ रहे हैं? जी नहीं, अभी अभी जाना है जी। क्या चीज का एग्जाम है आज? आज साइंस का है। साइंस का है जी। साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट आता है? क्या कौन कौन सब्जेक्ट है? वही देखिए कैसे भाग रहे हैं स्टूडेंट, इन लोग से पूछे तो कैसे भाग रहे हैं, कैमरा को देखते। ये देख सकते हैं कि ये कैमरा को देखते किस तरह भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं आप लोग? क्यों भाग रहे हैं? अरे उधर गाड़ी है। ये देखिए किस तरह ये स्टूडेंट जो है भागना चालू कर देते हैं कैमरा को देखते हुए। लेकिन इन लोग को पता नहीं है कि साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट होता है और आज एग्जाम देने आए हुए हैं एग्जाम सेंटर पे। लेकिन ये भी जानकारी इन लोग से जरूर लेंगे, कौन कौन सब्जेक्ट है? साइंस है यार। साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी। एक क्वेश्चन पूछे आपसे फिजिक्स का, निकट दृष्टि दोष खत्म हो जाता है तो कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। अवतल। और दोनों खत्म हो जाए तो? बाइफोकल या द्विफोकसी लेंस का। तो देखिए ये कितने साफ तौर पर काफी कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन के आंसर सही दिए। और ये माइटी के स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। काजल है, और काजल काफी कॉन्फिडेंस के साथ उस क्वेश्चन के आंसर दिए। लेकिन उम्मीद भी करते हैं, हमारे न्यूज फॉर बिहार चैनल भी उम्मीद करते हैं, इन लोगों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं कि अच्छे से एग्जाम देकर आए, अपने पेरेंट्स, अपने गाँव, अपने जिला का नाम रोशन करें। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ मैं चंदन कुमार चंचल, छपरा।